खुश होगा या दुखी होगा मैं बहुत खुशी में सो जाता हूं और फिर सुबह उठ करके फिर काम करता हूं और मैं शर्त के साथ कह सकता हूं हमारे बाबा मुख्यमंत्री को नींद नहीं आ रही होगी आजकल क्योंकि जब वो पीछे मुड़ के देखते होंगे तो वो देखते होंगे कि बताओ हमें तो ऑक्सीजन देनी थी हमने सड़कों पर ऑक्स छोड़ दिए लेकिन लेकिन आप ऑक्स तो समझते हैं ना किसको छोड़ा है ऑक्स बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि ये बात मैं दोबारा बोल रहा हूं हमारे लोग समझ नहीं पाए थे अच्छा एक एक ऑक्सीजन जब चाहिए थी तो ये ऑक्सीजन नहीं दे पाई और ये हमारे बाबा मुख्यमंत्री सड़कों पे हाउस छोड़ दिए ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के लोग इनको टिकट नहीं दे रहे आप बात समझिए हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं दे रही तो अक्सर हमें सुनने को मिलता है और अखबारों में पढ़ने का मिलता है कि कभी ये यहां से लड़ेंगे कभी वहां से लड़ेंगे कभी वहां से लड़ेंगे एक किसी व्यक्ति ने सपने में उनके आए उन्होंने पत्र लिख दिया और उसके लिए टिकट मांगी गई यह शुरुआत बीजेपी ने की थी अगर भगवान किसी के सपनों में आ रहे थे तो बीजेपी ने शुरू किया तो ऐसे तो हर एक के सपनों में कोई ना कोई आता है सवाल यह है कि मुख्यमंत्री जी कोई टिकट नहीं दे रहा है इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है অখিলেশ কালটা জবাব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ নিউজ এইটিন ইভেন্ট এজেন্ডা ইউপি রামিল হয়ে অখিলেশ আক্ষেপ করে যোগী কিন্তু যে স্বপ্ন দেখা খারাপ নুহে ভগবান কৃষ্ণ অনেক লোক স্বপ্নরে আসুক যদি ভগবান কৃষ্ণ অখিলেশ স্বপ্নরে আসবে সে নিশ্চিত কেবে কি বেটা তু গেয়া কামসে আই টি জি এছ টি ৰেট কু সমাজী পাৰ্টি কাষকি ভয়ো প্ৰশ্ন কৰি যোগী যে আমি জনমতক নিৰ্চন লৈ যোগী কৈছে যে তল যে প্ৰস্তুত অপ ভাল तो वे सुनते भूल गए होंगे उन्होंने कहा होगा कि बेटा तू गया काम से 400 अच्छा। सीटों पर तो तुम देखो मत ये तीन सीट जो मिल रही है उसमें भी एक चाचा के लिए एक परिवार के किसी सदस्य के लिए एक कोई भोला भटका होगा तो उसके लिए तीन सीट तुम्हारे पल्ले ले बाकी 400 बीजेपी के पक्ष में अच्छा। बीजेपी के समर्थकों के पक्ष में और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं सपने में भगवान कृष्ण अगर आए हैं तो यही कहे होंगे यो, योगी जी एक सवाल इस समय देश के मन में है कि योगी आदित्यनाथ चुनाव कहां से लड़ेंगे क्योंकि मथुरा वृंदावन की बात हुई तो एक आपके सांसद है उनको भी भगवान कृष्ण का सपना आया कि आप वहां से चुनाव लड़े तो योगी आदित्यनाथ चुनाव कहां से लड़ने वाले हैं अयोध्या से लड़ने वाले हैं मथुरा से लड़ने वाले हैं गोरखपुर से लड़ने वाले हैं कहां से लड़ने वाले हैं देखिए जब कंस की मूर्ति लगाने वालों के सपने में भगवान कृष्ण आ सकते हैं जी तो कृष्ण अपने भक्तों के सपने में क्यों नहीं आएंगे तो मैं क्या समझू इसका इशारा और है? नहीं मैं वही कह रहा हूं ना जी नहीं सपना भाजपा के सांसद के सपने में तो भगवान कृष्ण आए होंगे क्योंकि वह कृष्ण के ही भक्त हैं लेकिन कंस की मूर्ति लगाने वालों के सपने में जब भगवान कृष्ण आ रहे हैं तो मैं यही कहना चाहता हूं देखिए यह पार्टी का जहां से पार्टी को उचित लगेगा और पार्टी जहां से कहेगी हम लोग वहां से चुनाव लड़ेंगे ये पार्टी का मामला है पार्टी इसको तय करती है